हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट प्लस कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मे बी अगर आप प्रिपेयर करें CVT, रेलवे, SSC, बैंकिंग, UPSC, पुलिस, स्टेट PCS, PCSJ, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें तो एग्ज़ाम में आती ही हैं, ये तो सिलेबस का पार्ट है ही। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो डू रेफर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टेट कौन सी है जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है जिसकी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। सो अब थोड़ा सा गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं। सो अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर ही है। अहमदाबाद को फाउंड किसने किया था? अहमद वन ने इन 1411। कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है? तो उसको शिफ्ट किया गया था फ्रॉम अहमदाबाद टू गांधीनगर इन 1970। तो गुजरात की कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1970 के अंदर। ईयर भी याद रखिएगा। गुजरात के पहले CM का नाम क्या है? तो जीवराज नारायण मेहता, ठीक है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, ये भी इम्पॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट रिवर जो गुजरात में है उसका नाम क्या है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर ही कौन सा डैम बनाया गया है? सरदार सरोवर डैम। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। एंड साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में है। इन 1917 उसको बनाया गया था। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कौन सा है? कच्छ। एंड डायमंड सिटी के लिए या डायमंड सिटी के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? तो सूरत सिटी जानी जाती है एज डायमंड सिटी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो गुजरात की है 26। गुजरात का हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था? इन 1960। एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन है गुजरात के? दैट इज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। सो ये सारे टाइप्स जो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, जितने आप देख रहे हैं ये स्लाइड्स के अंदर, इन सारे टाइप्स के चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी स्टेट को लेके जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो एक ये आइडिया के लिए था ये सारी चीज़ें कि आपको पता हो कि भाई क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या हर स्टेट के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करेंट CM ऑफ गुजरात? गुजरात के अभी करेंट के CM कौन है? तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। सो करेक्ट आंसर इज भूपेंद्र भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की कैपिटल क्या है? सो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। हर स्टेट की कैपिटल पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है। सो झारखंड की कैपिटल है रांची। अब स्टेट्स के निकनेम है कुछ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी एग्जाम्स के अंदर निकनेम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिहार का निकनेम जो है वो क्या है, या बिहार को किस नाम से और जाना जाता है? लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। छत्तीसगढ़ को जाना जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया। गुजरात लैंड ऑफ लॉयंस। हरियाणा डेनमार्क ऑफ इंडिया। कर्नाटका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया। मेघालय स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। पंजाब लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। राजस्थान लैंड ऑफ किंग। सिक्किम लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वालिटी। तमिलनाडु लैंड ऑफ टेम्पल्स। जम्मू एंड कश्मीर मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उड़ीसा सोल ऑफ इंडिया। तेलंगाना कैपिटल ऑफ बिरयानी। दिल्ली फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड। एंड पुदुचेरी पेरिस ऑफ द ईस्ट। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं जो हमारे इंडियन स्टेट्स के हैं। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए डेफिनेटली। सो अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा कि विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? तो ये भी एक निकनेम है। सो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज द हेवन इन इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ द ब्लू हिल्स किसको बोला जाता है? कौन सी स्टेट जानी जाती है इस नाम से? सो द करेक्ट आंसर इज असम। अब हम डिस्कस करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
यूनेस्को हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एक लिस्ट बनाता है उनकी, एंड यहाँ पे उस लिस्ट में जो भी साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, तो उनका ही ये सारे लिस्ट में जो चीज़ साइट्स मेंशन है उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का ही काम है इनका। तो यहाँ पे इंडिया को छोड़ के जितना भी ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें, हर जगह पर ऐसी कुछ साइट्स हैं, ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एंड हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो जो इंडिया की बात करूँ अगर मैं, तो टोटल 40 साइट्स थे इंडिया के अंदर। 2023 में 2 साइट्स को और ऐड किया गया एंड नाउ देयर आर 42 साइट्स इन टोटल इन इंडिया। ठीक है, एंड इन साइट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ हैं हमारी कल्चरल साइट्स, कुछ हैं हमारी नेचुरल साइट्स, एंड एक इकलौती है हमारी एक मिक्स साइट्स। ठीक है, तो यूनेस्को क्या है, एक लिस्ट पे बनाती है, लिस्ट प्रिपेयर करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। इंडिया में भी कई सारी साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड लेवल में कई सारी कंट्रीज़ के पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे वो यूनेस्को के पार्ट अगर बना है वो कंट्री, तो वो अपनी जितनी भी कंट्री के अंदर उनकी साइट्स है वो इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे और उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करेंगे। तो यही बेसिक आइडिया है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में अब टोटल कितनी साइट्स हैं, तो 42 साइट्स हैं इंडिया की, और उसको किन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कल्चरल साइट्स कितनी है, 34 है, नेचुरल साइट्स कितनी है, 7 है, और मिक्स्ड साइट कौन सी है, वो एक ही है, तो उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2016 में इस साइट को ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर, और ये है कहाँ पे, सिक्किम में है। तो जो चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है लाइक कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट के अंदर कौन से ईयर में शामिल किया गया था। सो आंसर इज 2016। एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है, तो सिक्किम में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब और आगे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तरफ और आगे बढ़ें, तो उससे पहले हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिक इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो जो यूनेस्को है उसकी जो पेरेंट बॉडी है वो कौन है, अगर ये आपसे पूछा जाए, तो वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनेस्को के टोटल 195 मेंबर्स हैं। यूनेस्को का आप ये देख सकते हैं साइड में लोगो। यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एंड बेसिक मिशन क्या था, कॉन्ट्रीब्यूट करना टू द बिल्डिंग ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को लेके कंट्रीब्यूट करना, कोलैबोरेट करना अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, यही सारा इनका काम था। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो नेचुरल साइट्स इंडिया में हैं, तो इम्पॉर्टेंट जैसे कि हमने बायफर्केशन में देखा ये 34 साइट्स जो हैं वो कितनी, कौन सी है, कल्चरल साइट्स हैं, 7 साइट्स नेचुरल हैं एंड 1 है मिक्स साइट। तो सबके नाम, कौन से ईयर में उनको शामिल किया गया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये हैं हमारे कुछ नेचुरल साइट्स, नाम के साथ साथ ये कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कहाँ पर है की बात करें तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश में है, 2014 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 के अंदर ऐड किया गया था एंड असम में है ये। मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, इसको भी सेम 1985 में ही ऐड किया गया था। 1985 में केलारडीओ नेशनल पार्क को भी ऐड किया गया था और ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 एंड 2005 उत्तराखंड में है ये। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में ऐड किया गया था एंड ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्टर्न घाट्स 2012 में ऐड किया गया था और महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सुंदरबन नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या फिर कोलोराडियो नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क को कौन से ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था।
तो 1985, तो आपको सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैंने आपको बताया पहले थी हमारी कितनी 40, दो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, दो और बढ़ गई हैं। कब बढ़ी हैं? 2023 में। उनके नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ पर है? बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट में आगे भी मेंशन किया है, स्लाइड्स में पीछे भी कुछ स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया है, बट ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए, ये करंट अफेयर्स के पार्ट में आ जाएगा। सो सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द होयसलास 2023 में ऐड किया गया और ये है कर्नाटका में, एंड शांति निकेतन 2023 में ऐड किया गया और ये है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टेंटेटिव लिस्ट की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक टेंटेटिव लिस्ट भी है जिसमें टाइम टू टाइम ईयर बाय ईयर कुछ साइट्स को शामिल किया जाता है, और इन टेंटेटिव लिस्ट का मतलब यही है कि भाई अभी ये फाइनल नहीं है, इन्हीं में से चीज़ों को चूज करके फाइनल करके वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने इन चीज़ों को रिकमेंड किया है 2024 में कि भाई ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे, प्लीज़ इनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लीजिए, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है इन चीज़ों का, ठीक है, लेकिन तो इसीलिए अभी ये क्या है टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ही शामिल है। तो थोड़ा सा आपको इसको नज़र मार के चलना है कि आपको थोड़ा ध्यान रहे टेंटेटिव लिस्ट में कौन कौन सी जगहें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट्स जिसका आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर है और कौन सी ईयर में उसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर। जैसे ताजमहल यूपी में है, सन टेंपल बहुत इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा में, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, धोलावीरा हड़प्पा साइट, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स। गुजरात जो है उसके रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट साइट्स को एक्सकवेट किया गया था वो गुजरात में है, तो उन दोनों साइट्स का नाम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सो उन दोनों साइट्स का नाम है लोथल और धोलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट हुमायूं टॉम 1993 में ऐड किया गया कुतुब मीनार, तो ये कुछ अदर साइट्स के नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, एंड कौन से ईयर में और कौन से स्टेट में है ये वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये आप देख सकते हैं दिल्ली एंड राजस्थान, जंतर मंतर राजस्थान में है, रेड फोर्ट कुतुब मीनार एंड हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये है रेलवे स्टेशंस, ये कुछ रेलवे स्टेशंस है जिनको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, इम्पॉर्टेंट है, इवन ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में ये हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पहले नाम क्या था? तो विक्टोरिया टर्मिनस था इसका नाम, इसका नाम चेंज कर दिया गया था एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबली अगर हम देखें विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और यूनेस्को का वो पार्ट भी है, तो दैट इज़ इटली। इटली में टोटल 59 साइट्स हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में कितनी है 42, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेंपल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर शामिल है, जो वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो द आंसर इज उड़ीसा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रेलवे से रिलेटेड हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट काफ़ी टाइम पहले हुआ था ये, लेकिन स्टिल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की, तो वो कब स्टार्ट हुई थी? तो 16th अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से कहाँ तक थी ये? तो मुंबई टू थाने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक थी। उस टाइम पे जो रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे? जॉन मथाई। एंड सेकंड ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी इसके नेक्स्ट ईयर 1854 में हुई थी, एंड ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो कोलकाता टू रानीगंज, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अभी करंट के रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है, तो अश्विनी वैष्णव। एंड अगर मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड,
तो ये कौन है? जया वर्मा सिन्हा, इम्पॉर्टेंट नाम है। ये पहली वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया है रेलवे की एपेक्स बॉडी के अंदर। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है करंट अफेयर्स के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ आपसे कि फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर कौन है, दैट इज ममता बनर्जी। रेलवे के टोटल 18 जोन्स हैं, ठीक है। 2019 के अंदर एक जोन को और ऐड किया गया है, दैट मींस पहले जो थे प्रायर 17 थे, ठीक है। 17 में एक और ऐड किया गया 2019 में, और अब ये टोटल कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो 18th जोन है उसको कब ऐड किया गया है, तो उसको 2019 में ऐड किया गया। एक तो ईयर आपको याद रखना है, और वो है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। एंड इसको बोलते क्या है हम, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट आता है बजट के रिस्पेक्ट में, कि जो बजट है, पहले बजट को अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था। तो अगर मैं बात करूं 1924 से पहले रेलवे बजट और कॉमन जो हमारा जनरल बजट है वो उसको एक ही साथ प्रेजेंट किया जाता था। 1924 से इसको सेपरेट कर दिया गया, एंड अब हमारा रेलवे बजट एंड जनरल बजट को अलग अलग ही प्रेजेंट किया जाने लगा। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, तो आपको ये भी याद रखना है, एक्वर्थ कमिटी। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है, 1924 से तो ऐसा हुआ था, लेकिन इसके बाद 2017 के अंदर अगेन मर्ज कर दिया गया था रेलवे बजट और जनरल बजट को। तो अब मिक्स ही प्रेजेंट किया जाता है, एक ही बजट प्रेजेंट किया जाता है जिसमें रेलवे और जनरल सारी चीज़ों की बात की जाती है। सो ये थी कुछ चीज़ें जो रेलवे से जुड़ी थी, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब बेसिक सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई भी स्टेट का आपसे ये पूछ सकते हैं, लाइक तमिलनाडु का कौन सी कैपिटल है, नागालैंड पूछ सकते हैं, तेलंगाना पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको टिप्स पर याद होनी ही चाहिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद यूनियन टेरिटरी की कैपिटल इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स। तो जो CM है उनके नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरला, ये वो स्टेट्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ जिनके तो नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पुदुचेरी, पंजाब, मेघालय, महाराष्ट्र, इसके बाद ये कुछ और स्टेट्स, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। सो दैट इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बाद ये है स्टेट और उनके रिस्पेक्ट में एनिमल, स्टेट एनिमल कौन कौन से हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक हरियाणा, लाइक अगर आप कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पर्टिकुलर स्टेट का दे रहे हैं, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ के लिए। एंड अगर आप कोई जनरल पेपर दे रहे हैं, लाइक नेशनल लेवल का पेपर है या एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, सो उसके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक चीज़ें हैं, किसी भी स्टेट का आपसे वो पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक नज़र तो इस पर भी डालनी है। लाइक गुजरात का पूछ सकते हैं, हरियाणा का पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, केरला, कर्नाटका, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है एक आप आंध्र प्रदेश का भी देखिएगा, ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। एंड इसके बाद उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद आते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के अंदर दिल्ली तो है ही हमारा इम्पॉर्टेंट, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप, ये सारे आपको देखने ही देखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आती हैं स्टेट बर्ड्स, कौन सी स्टेट की कौन सी स्टेट बर्ड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ स्टेट्स जो रिसेंटली में न्यूज़ में हैं, लाइक कोई का किसी का CM अभी रिसेंटली में अपॉइंट किया है, या किसी के स्टेट के CM ने कोई पॉलिसी या कोई योजना को लॉन्च किया है, अभी स्टार्ट किया है,
कोई इनिशिएटिव लेकर आए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में उस स्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। सीएम और गवर्नर के नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, सो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको वहीं पर ही शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान इंडियन बस्टर्ड आजकल न्यूज़ में भी है, ये इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, ये जो इंडियन बस्टर्ड बर्ड है ये सेकंड नंबर की बर्ड है सबसे लार्जेस्ट बर्ड की अगर मैं बात करूँ, और पहले नंबर पे ये वो वाली बर्ड आती है जो उड़ सकती है। फर्स्ट बर्ड जो सबसे बड़ी बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड जो उड़ सकती है, आफ्टर ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ी बर्ड की कैटेगरी में आती है, बट वो उड़ नहीं सकती, ठीक है ना, ये उड़ सकती है। इसके बाद ये कुछ यूनियन टेरेटरीज और उसके नेशनल बर्ड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको रिवाइज करने हैं, ये पूरी वीडियो आपने देख ली है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, लाइक स्टेट और उनके कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट उनके सीएम इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हमने बात करी, लाइक स्टार्टिंग हमने गुजरात के रिस्पेक्ट में बातें करी थी, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता चल गई होंगी, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। निकनेम्स देखे हमने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही। इसके रिस्पेक्ट में और चीज़ें हमने क्या देखी, यूनेस्को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से ईयर में ऐड की गई उनको और कौन से स्टेट में है वो रिसेंटली, और रेलवे के बारे में हमने बात करी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट स्टेशंस कुछ बात करी, रेलवे जोन की बात करी, एंड पहला कब आया है कब नहीं आया है वो सारी चीज़ें। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंडिया के बारे में देखेंगे, एंड साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक जीके में आते हैं। लाइक आज हमने थोड़ा सा रेलवे के बारे में देखा था, एडिशनली कुछ चीज़ें रेलवे के बारे में रह गई हैं हम वो देखेंगे, एंड अलॉन्ग विद हम नेशनल हाईवेज देखेंगे, जो 4-5 नेशनल हाईवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉन्ग विद उसको हम क्लब करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video.